नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की ईरान में महिलाओं का संघर्ष जारी है हिजाब के खिलाफ वे सड़कों पर हैं और उनके साथ साथ बड़ी तादाद में ईरानी जनता खड़ी नजर आ रही है वे हिजाब जला रही हैं वे बाल काटकर अपने बाल काटकर विरोध का झंडा तैयार कर रही हैं और निश्चित तौर पर हर वह शख्स जो दुनिया में मानता है कि औरतों को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे कैसे रहें ईरान की महिला के साथ खड़े हुए हैं शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया में दुनिया के कई हिस्सों में यह विरोध पहुंचा है लेकिन इसी के साथ साथ जो बहुत अहम सवाल है कि जो लोग ईरान पर निशाना साध रहे हैं और खास तौर से वे देश वे ताकतें जो अपने यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं देती खास तौर से अमरीका क्योंकि पूरी दुनिया ने यह भी देखा कि तमाम तरह के मानवाधिकारों की बात करने वाला अमरीका जब वहां की अदालत औरतों से उनके शरीर पर हक छीनती है एबॉर्शन राइट्स गर्भपात का अधिकार छीन लेती है तब पूरा का पूरा हुक्मरान वहां का खामोश रहता है शायद जब लोग ईरान की महिला के पक्ष में खड़े हैं तो उसके साथ साथ यह सवाल भी उठना जरूरी है कि दोयम दर्जे अख्तियार नहीं किए जा सकते जब महिला के अधिकार की बात हो आज अपने प्रोग्राम में हम आपके साथ चर्चा करेंगे सबसे पहले यूरोप के अहम देश इटली के बारे में यहां पर चुनाव हुए इटली के इतिहास में पहली बार एक महिला प्रधानमंत्री बन रही हैं गियोर्जिया मेलोनी जो इटली की सबसे भीषण दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की नेता हैं, तानाशाही को का वंशज मानती है यह पार्टी और लगातार अपनी पूरी नीतियों में घोषित दक्षिणपंथी पार्टी के तौर पर इसे पहचान मिली है दूसरी खबर रूस से रूस यूक्रेन युद्ध को छिड़े हुए नौ महीने से ज्यादा हो गए हैं और इस समय अगर पश्चिमी मीडिया की माने तो उनके हिसाब से रूस पीछे हट रहा है सिर्फ रूस पीछे ही नहीं हट रहा बल्कि रूस में पुतिन का विरोध तेज हो रहा है आखिर क्या है असलियत इस प्रचार तंत्र की क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस युद्ध में अमरीका नेटो और रूस आमने सामने हैं और पूरा प्रचार तंत्र मीडिया इस समय अमेरिका और नेटो के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है प्रवीर सबसे पहले हम बात करेंगे इटली की यूरोप के एक अहम देश इटली जहां पर चुनाव हुए और जो परिणाम रुझान भी बता रहे थे परिणाम भी उसी दिशा में है कि वहां पर जो फासिस्ट पार्टी है जिसको खुद वहाँ के लोग बताते हैं कि सबसे ज़्यादा दक्षिणपंथी पार्टी जो है जिसको पिछले चुनाव में महज चार दशमलव पांच फीसदी वोट मिले थे आ, उनकी जो नेता हैं वह प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं पहली बार इटली में कोई महिला प्रधानमंत्री बनेंगी ये जो डेवलपमेंट है इटली में उसे कैसे देखा जाए देखिए पे दो बात है एक तो है चुनाव की जो आपने बात की चुनाव के नतीजे की इस पर साफ़ है कि दक्षिणपंथी पार्टियों में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट भी हुआ है जिससे जो पहले बर्लिस्कूनी की पार्टी थी वो पी थे इसके बाद जो सालवीनी की पार्टी थी जो भी शरीक थे पिछले सरकार में तो इन लोगों की क्रेडिबिलिटी घटा है क्योंकि इटालियन क्राइसिस में ये भी शिरकत कर रहे थे लोगों का ये समझ था और इसीलिए नया फेस कहते हैं ना कि कभी कभी नया फेस के एक ये होता है तो राइट में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट हुआ है तो अगर देखें वोट के हिसाब से तो एक रीडिस्ट्रीब्यूशन इनका बलिस्कुनी और सालवनी की पार्टी से इनके पास मिलोनी की पार्टी जियजिया मिलोनी की पार्टी के पास आई है तो इसीलिए वो राइट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स लेके आई है इसीलिए प्रधानमंत्री प्रधान मंत्री का उसका पद का हद, दावा हक वो ज़ाहिर कर रही है अभी भी शायद पंद्रह बीस दिन और लगेगा क्योंकि उसको सपोर्ट बटोरने में दूसरे लोगों का क्या भार होगा नहीं होगा वो सब यूनाइट करेंगे तो क्या होगा देखना पड़ेगा रिजल्ट्स पूरी आ जाए तब पता चलेगा पर इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण पंथियों की एक बहुत बड़ी जीत है। इनका जो गठबंधन है उनको पैंतालीस फीसदी वोट वोट मिला क्लियर विक्ट्री है, है।, है और जो सेंटर लेफ्ट जिसे कहते हैं हमारे यार आपके भाषा में नहीं इटली के भाषा में जिसको सेंटर लेफ्ट कहते हैं उनका रोल जो है घटा है और इस इस दौरान जो राजनीतिक रूप से जो दिखाई पड़ रहा है कि वर्किंग क्लास का वोट्स राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है जो लेफ़्ट सेंटर लेफ्ट की जो बात हो रही है उनकी पार्ट उन पार्टीज़ की ख़ास तौर से जो मेजर पार्टीज है उनके लगता है कि उनका इस वक्त दायरा सीमित है मिडिल क्लास पे दूसरी बात है कि नाथसी जर्मनी में जिस तरह से हिटलर विरोधी शक्तियों को आगे बढ़ाया गया था क्योंकि बाद में जब वो ना, नाथसी जर्मनी पराजित हुआ तब एक तो सोवियत यूनियन के पास आधा हिस्सा था आधा हिस्सा इनके पास था पर दोनों में ये था कि नाथसी जर्मनी का पुनर्स्थापना नहीं होना चाहिए तो नाथसी जर्मनी के खिलाफ नाजिज़म के खिलाफ एक तगड़ा मुहिम रहा वहाँ पर ये चीज़ इटली में नहीं था इटली में क्योंकि कॉम्युनिस्टों की काफ़ी रेजिस्टेंस थी और इटली में कम्युनिस्ट पार्टी सबसे बड़ा विरोधी पार्टी के रूप में फैशिस्ट ताकतों का सामना किया था तो वॉर के बाद उनको लगा कि कॉम्युनिस्ट यहाँ ना आ जाए हावी ना हो जाए इसके लिए नेटो जो बना बाद में उस वक्त अमेरिका ब्रितान ब्रिटानिया यही दो मेन शक्ति थी उन्होंने ये किया था कि फासिस्ट ताकतों के साथ एक अनरिटन अलायंस कह सकते किया था और कम्युनिस्टों के खिलाफ ये संघर्ष लंबा चला जर्मनी के जगह पे वहाँ पर कम्युनिस्टों को करीब हिटलर ने आधा तो मार के ही ख़त्म कर दिया था तो यहाँ पर जो है इटली में कॉम्युनि लेफ्ट का एक बहुत बड़ा प्रभाव था वो धीरे धीरे घटा है पिछले चालीस पचास साल की ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ काफ़ी कमजोर होके ख़त्म हो जाने से ऑपोजिशनल स्पेस जो है यूरोपियन यूनियन के साथ जाना अपना क्या कहते न्यू न्यू लिबरल सी, लिबरल पॉलिसीज़ को फॉलो करना नेशनलिस्ट आइडेंटिटी को कमज़ोर करके यूरोपियन आइडेंटिटी को तगड़ा करना इन सब चीज़ों में रुझान था इसके खिलाफ जो इ, ये दक्षिण पंथी ताकतों ने जब बात किया तो उसकी क्रेडिबिलिटी वर्किंग क्लास के लिए ज़्यादा हुआ बनस्पत की सेंटर लेफ्ट जो कहते हैं हालांकि है तो डिओ लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का पर आधारित तो वे कमज़ोरी जो है वामपंथी और सेंटर सेंट्रल लेफ्ट पार्टीज या सेंट्रिस्ट पार्टीज़ की है जिसमें आज क्राइसिस में राइट विंग फोर्सेस उस पर आगे ज़्यादा बढ़ा रहे और अगर देखिए अगर हम नक्शा भी देखें पूरे यूरोप का जो अभी स्वीडन में हुआ वहाँ पे भी नवनाजीवादी पार्टी की जीत हुई हंगरी पोलैंड पहले से उधर हैं फ्रांस में भी जो राइस था वो बहुत तगड़ा राइस था किसी तरह से मतलब वो शुरुआती संकेत ऐसा लग रहा था कि उन्हीं के पास चली जाएगी लेकिन बाद में मैक्रो आ गए वहाँ पर ये जो सारा संकेत है ये जो सारा नक्शा दिख रहा है उससे एक चीज लग रही है कि राइट विंग का उभार अलग अलग ढंग से जैसे सब में एक सहमति है माइग्रेशन को लेकर इस्लामोफोबिक जो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र है मेलोनी का भी जो प्रचार तंत्र रहा पूरी बातचीत रही माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था क्या आपको लगता है कि ये जो उभार है जो अलग अलग देशों में दिखाई दे रहा है यूरोप के ये यूरोपियन यूनियन पर भी इसका असर पड़ेगा और दूसरा सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका क्या संबंध कहीं जो रूस यूक्रेन वाला चल रहा है उससे जो यूरोप क्राइसिस में गया है उसका फायदा दक्षिण पंथ को मिला है देखिए एक तो सबसे बड़ी बात रही है कि जो आप कह रहे हैं कि इन राइट right का राइज कैसे होता है तो उसको अथॉरिटेरियनिज़म वर्सेस डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क में मत देखिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ताकतों को लग रहा है कि हमको अभी राष्ट्रीयवाद के आधार पे हमको आगे बढ़ना चाहिए न कि नेटो यूरोपियन यूनियन के आधार पे ये यूरोपियन यूनियन का जो एक ढांचा है उसके खिलाफ राष्ट्रों में बहुत सारे राष्ट्रों में एक विद्रोह का मन भावना इसीलिए है कि वो बिग कैपिटल का केंद्रीकरण वहाँ पर हुआ है यूरोपियन यूरोपियन यूनियन में और यूरोपियन यूनियन का जो ढांचा है उस पर जो इकोनॉमिक ढांचा है वो नेशन स्टेट का उस पर जोर नहीं चलता क्योंकि करेंसी जो है निर्धारित होती है उनकी सेंट्रल बैंक से तो यूरोपियन यूनियन का जो एक इकोनॉमिक एक ढांचा निकल के आ रही है उनका जो पॉलिसीज निर्धारित हो रही है उसमें आम जनता का उसमें शिरकत नहीं है जो कि अपने देश की अंदरूनी पॉलिसीज में हो सकता है तो ये इसीलिए है कि वहाँ के जितने राष्ट्र नेता है वो करीब करीब अपना अस्तित्व सौंप दिया है यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक तौर पे उनके हाथ पे और नेटो के हाथ पे राजनीतिक रूप में, में. तो ये जो क्राइसिस है इसमें रेजिस्टेंस लेफ्ट के तरफ से फ्रांस में था फ्रांस पे आप देखे होंगे कि वहां पर को काफी हाँ। प्रभाव रहा उनकी जो स्पीचेस और सभाएं थी वो काफी लोग सुनने पहुंचे थे। पहुंचे थे और पार्लियामेंट में वो बड़ा फोर्स होके निकला है जिस वक्त तो लेफ्ट का वहां पर जहां भूमिका रहा है तो लेफ्ट को भी गेन हुआ है राइट को भी गेन हुआ है सेंट्रिस्ट जो फोर्सेस जो ज्यादा यूरोपवादी है या ज्यादा अमेरिकी पंथी है क्योंकि नेटो और न्यू लिबरल पॉलिसीज को वहाँ की जनता उसका विरोध करता है तो विरोध अगर लेफ्ट नहीं करेगा तो राइट के पास जाएगा तो बहुत जगहों पर यह भी हो रहा है जो इटली में हो रहा है। का जो सारा हाँ, प्रचार है वो इसी, इसी पर फोकस था दूसरे ढंग से मुसूलोनी का पूरा सिंबल यूज तो करना वो जो है दोनों चीज़ इसमें इसमें रोल प्ले कर रहा है एक है आर्थिक नीति जो कि ज़्यादा दक्षिण पंथियों की ओर जो जाता है वो न्यू लिबरल पॉलिसीज की ओर जा रहा है अतः ये इटली का बुरजवाजी के हित पे कितना है नहीं है वो अलग बात है पर एक उनको लगता है कि हमारा अर्थनीति अब चला गया दूसरों के हाथ में हमारे इकोनॉमिक पावर जो है राष्ट्र के हाथ में नहीं रहा यूरोपियन यूनियन के हाथ में चला गया तो ये एक उसके लिए एक राइटवर्ड शिफ्ट जो है इसीलिए भी हो रहा है कि जहाँ लेफ़्ट वीक है कमज़ोर है दिखाई नहीं पड़ रहा है वो ये हो रहा है क्योंकि ये नेचुरल लेफ़्ट के रेजिस्टेंस का स्पेस है वो जब नहीं करोगे आप तो और कहीं जाएगा फिर कहीं वो तो, मा, जो गुस्सा है या जो तलाश है वो तलाश उधर पहुंच दर्षन की तरफ पहुंच तो रही इस है इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसोलिनी की ये तो उत्तराधिकारी है ये तो ओपनली है खुल के इनके क्योंकि इनका सिंबल भी मुसोलिनी पार्टी का सिंबल से लिया हुआ है तो वो कभी इस चीज को कतराते नहीं है बताने में कि मुसोलिनी बहुत बड़ा लीडर था और इटली में ये जो चीज है मुसोलिनी की छवि वो हिटलर की छवि जैसा नहीं बनाया था इसमें जो नेट जो बाद में नेटो बने उनका काफ़ी हाथ रहा क्योंकि वो उसको चाहते थे कि मुसलनीग के जो समर्थक है वो हमारे साथ जुड़े ना कि ये नहीं तो हम लेफ्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे इसीलिए मुसलनीग के उत्तराधिकारी का वो एक लेजिटिमेसी मिल रहा है जो हिटलर के उत्तराधिकारी का कभी जर्मनी में जर्मनी नहीं, 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 नहीं तो ये एक फर्क है इटली और जर्मनी में सोचने लायक पर इटली बड़ा देश है छोटा मामूली देश नहीं है इसीलिए जो वहां पर होगा इसकी यूरोपियन यूनियन पे काफी प्रभाव पड़ेगा ये एक बहुत अहम चीज जो है यूरोपियन यूनियन में हो रहा है उसको पोलैंड हंगरी से उसका तुलना नहीं करना चाहिए क्योंकि उनको इनका इस तरह यूनियन पे इस तरह तरह का का यूनियन पे इंफ्लुएंस नहीं है तो एक हिसाब से उसको एक मार्जिनल uh, फोर्स मान के मैं चलता हूं जो दूसरे आपने जिक्र किया स्वीडन वगैरह का इनका इस तरह का सेंट्रल रोल रही है जर्मनी फ्रांस इटली ये यूरोपियन यूनियन का देश, देश है क्योंकि इन्होंने ही यूरोपियन यूनियन की स्थापना किया जी, था जी 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 अब हम चलेंगे रूस की तरफ हम सब देख रहे हैं कि रूस को लेके लगातार जो पश्चिमी मीडिया है वो अलग-अलग ढंग -अलग से अलग-अलग दावे पेश कर रहा है हमने अपने दर्शकों से पहले भी कहा है कि हम वॉर रिपोर्टर्स नहीं हैं हम वहां जाके भी उस तरह की खबरें नहीं दे सकते जिस तरह की पश्चिम मीडिया दे रहा है लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने आ रही हैं जिन पे मुझे लगता है कि बात करनी बहुत ज़रूरी है सबसे पहली तो यह बात जिसको दावा पश्चिमी मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से भारत में हम हैं हम भी वही खबरें देख रहे हैं कि रूस पीछे हट रहा है बहुत बड़े पैमाने पे उसे नुकसान हुआ है इतनी ज़मीन वापस ले ली गई है यहाँ यहाँ से रूसी सेना वापस चली गई है और विजय मना रहे हैं यूक्रेन के लोग ये जो सारी खबरें हैं मतलब इसमें मैं एक स्पेसिफिक खबर नहीं लेकिन ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन बनाया जा रहा है जो अवधारणा है इसे आप कैसे देखते हैं और हम कैसे देखना चाहिए इसे देखिए अगर मिलिट्री तौर पे देखी जाए मैप के हिसाब से मैप हमारे सामने है देख सकते हैं तो उस पर देखेंगे एक कारकोव जो ओब्लास्ट कहते हैं प्रोविंस में एक छोटा सा हिस्सा यूक्रेन ने वापस ले लिया है इसमें भी जो खबरें हमारी सिर्फ खबरें नहीं अब वेस्टर्न मीडिया भी इस खबर को मानती है जो पोर्शन लिया गया है वो पूरा जो रशिया को कहते हैं रशिया कब्जा कि यूक्रेन का उसका एक परसेंट है तो ये बहुत बड़ा बहुत बड़ी जीत हो गई है ये कहना ये मुझे नहीं लगता कि ये सही निकले सही होगा और ये भी है कि लाइन वो नदी के एक किनारे स्टेबलाइज़ कर गया है नया उसके आगे कोई अग्रगति यूक्रेन की फोर्सेस की नहीं हो रही है तो एक वो भी खबर वेस्टर्न मीडिया रूस की मीडिया की बात नहीं कर रहा वो कह रहे हैं कि एक वहाँ से रूस की फोर्सेस पहले से काफ़ी कम कर दी गई थी तो अमेरिका और वेस्टर्न जो स्पाई एजेंसीज है उनकी सैटेलाइट की तस्वीर से ये साफ़ हो गया था ये लाइटली हेल्ड एरिया है तो इसीलिए उन्होंने यूक्रेन का कहा था कि वहाँ पर अटैक करने से वो आगे बढ़ सकते हैं, पर इसके बाद और दूसरे अगर बॉर्डर्स को देखें जहाँ पर अटैक हुआ था खरसौन जैसी जगहों पे वहाँ पर कोई लाइन में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है और दो तीसरी जो चीज़ें निकल के आ रही है दोनों देशों का मकसद लड़ाई में अलग अलग है एक तो है यूक्रेन को जमीन ज़मीन न छोड़ना क्योंकि उनको लगता है जमीन, जमीन चलना हाँ। तो एक उनकी कमजोरी हाँ। होगी और रूस का जो इरादा है कि एक तो डॉनबास वगैरह लेकर क्रीमिया तक इन जगहों का वो चाहते हैं अब अलग करें या रूस में ज्वाइन करें जो इसकी अभी रेफरेंडम हो रहा है, हो है पर ये रशियन स्पीकिंग एरिया है रशियन एथनिसिटी एरिया है क्रामिया की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है सबस्तोपोल नेवल हार्बर जो ब्लैक सी में बहुत बड़ा नौसेना का गढ़ है, है उसको वहाँ पर उनके साथ जोड़ना रशिया के साथ तो लैंड कंटिन्यूटी तभी बनता जब वो खरसौन और ये भी जैप्रोजिया भी पूरा ले, ले लेंगे तो ये इसीलिए लेकिन जैप्रोजिया में अभी भी शेलिंग और गोलीबारी का। वो तो बॉर्डर पे चलेगा जहाँ जहाँ बॉर्डर लाइन है देखिए लंबा बॉर्डर है इस वक्त अगर रूस की फोर्सेस और यूक्रेन फोर्सेस के इंगेजमेंट देखें, बॉर्डर काफ़ी लंबा है तो वहाँ पर तो शेलिंग लड़ाई होता रहेगा बड़े दो देश है इसको छोटे देश नहीं समझना चाहिए यूक्रेन बहुत बड़ा देश है रूस के बाद सबसे बड़ा देश ज़मीनी तौर पे यूक्रेन है यूरोप में तो ये बड़े उनकी बॉर्डर्स भी काफ़ी लंबे हैं तो उसको देखते हुए अगर देखें तो वहाँ पर कोई और बदलाव बॉर्डर्स में नहीं हो रहा है रूस में और दो चीज़ की अतला दर्शकों को देना चाहूँगा एक तो है कि रेफरेंडम जो हो रहा है इसके बाद जो लग रहा है क्योंकि चार दिन अभी रेफरेंडम को हो चुके हैं पचास परसेंट से ज्यादा वोट अगर पड़ता है तो उसमें रेफरेंडम का वो कहेंगे कि ये मान्य है, है। मान्य है और उसमें साफ है कि डॉनबास जो दो प्रदेश है वहाँ पर वोट 70 अस्सी परसेंट तक पहुँच गया है और इन जगहों पे हरसौन और जप्रजिया में भी इसका वोट 50 परसेंट से अधिक हो गया है तो पांचवा दिन में जो भी हो ना हो 50 परसेंट से ज़्यादा इन जगह चारों प्रदेश में हो गया उसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं तो यानी इसका मतलब है कि इन इलाकों पे जो रूस का पूरा दावा है वो तकरीबन एक जनमत शायद उन्हीं के साथ है वो भी स्वाभाविक है क्योंकि अगर आप पुराना मानचित्र देखें चुनाव का तो देखेंगे यहाँ पर उन लोगों का जीत हुई है जो रूस से एक समझौता चाहते थे जेलेंस्की भी पिछले चुनाव जीता इसी दावे पे कि हम रूस के के साथ शांति समझौता करेंगे तो उनका स्लोगन था बाद में नहीं हुआ और इसीलिए रेफरेंडम की अहमियत यह है कि यहाँ रूस अपना अपना अगर प्रदेश घोषित करता है तो रूस का यूक्रेन का बॉर्डर अगर ये वो स्थिरता करता है स्थिर करता है कि ये हमारा बॉर्डर है तो इसके बाद बॉर्डर वॉर हो जाए गा 얘... यूक्रेन का अंदरूनी मामला नहीं होगा रूस के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भी जो समझे हाँ, इसको मानेगा तो, मानेगा, नहीं, माने माने गा, गा, नहीं माने ऐसा लगता है युद्ध तो लंबा चल रहा है तो ये लगता है जल लंबा चलेगा जो आप कह रहे हैं और अभी रूस ने तीन लाख और जो रिजर्व को कॉल अप किया है इसके लिए अब देखिएगा उसके यूक्रेन में जो उसका इंटरवेंशन रूस कर रहा है एक लाख पचास हजार से ज्यादा सेना वेस्ट के मुताबिक भी इससे ज्यादा नहीं है रूस की सेना जो युक्रेन युक्रेन में गई की, है। इन इन लड़ाई में जो शामिल लेकिन अभी जो तीन, तीन लाख की भर्ती है तीन लाख अगर और भरेंगे इसका मतलब कि साढ़े चार लाख सेना यूक्रेन में तैनात हो सकता है कहाँ तैनात होगा हमें नहीं मालूम तो तैनात हो सकता है इसका मतलब वार जो है अभी वो एक मिलिट्री ऑपरेशन कहीं भी रुकने वाले नहीं है। वो क्या उस तरह से नहीं होगा एक वार के तौर पहुंच जाएगा और दो देशों को अगर जंग होता है तो इसका नतीजा कहां पहुंचेगा किसी को देखिए इसी संदर्भ में आप जो तीन लाख की बात कर रहे हैं इसको लेकर भी जो खबरें हैं जो खबरें आई उसने बताया उनके मुताबिक जो वेस्टर्न मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बड़े पैमाने पर लोगों में विरोध है लोग बॉर्डर जा रहे हैं लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते हैं और रूस एक क्राइसिस में डोमेस्टिक क्राइसिस में फंस सकता है ये तीन लाख भर्तियों को लेकर देखिए रिजर्विस्ट है कोई भी वक्त किसी भी देश में रिजर्विस्ट को कभी भी आप कॉलअप कर सकते हैं तो कानूनी तौर पे ये तो दावा सही नहीं बैठता दूसरी बात है ये वेस्टर्न मीडिया के तो पहले से ही ये कहा जा रहा है कि पुतिन गिर जाएगा उसका वार का बहुत विरोध है लोग बड़े नाराज़ है ये हो जाएगा वो हो जाएगा सात महीना हो चुका है हुआ तो नहीं, है नहीं अब रिजर्विस्ट में भी पहले कहा ये हो रहा है वो हो रहा है रूस के खबर के मुताबिक मैं दोनों खबरों पर विश्वास नहीं कर रहा हूं इस वक्त रूस के खबरों के मुताबिक उन्होंने जितना कॉलअप किया था उससे ज़्यादा लोग, लोग पहुँचे तो अब ये भी सही होगा कि कुछ लोग भर्ती नहीं होना चाहते हैं जो लोग तो सीमा पे जा रहे सीमा हैं। सीमा पे हो सकता है, जरूर होगा ये अमेरिका जब वियतनाम में लड़ाई किया था उन्होंने छः लाख सेना से ज़्यादा भेजे थे वहाँ पर वहाँ पर भी बहुत लोग कनाडा पहुँच गए थे इसका मतलब थोड़ी है कि छः लाख सेना वहाँ नहीं पहुँचा वियतनाम में तो ये चीज़ें जो होती है इसमें वॉर में कौन पार्टिसिपेट करेगा नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता ये अलग बात है पर अगर पारा देखे देश की तो इस पर कोई दो राय नहीं है पुतिन के पक्ष में लोगों का इस वक्त बहुमत ज़्यादा है क्योंकि हम चाहे इसको स्वीकार करें ना करें जंग में एक जातीयतावाद पैदा होता है ने नेशनलिज्म पैदा, हो पैदा होता है उस पर एक लीडर अपने देश के लीडर के पीछे खड़ा होना जो जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में हो रहा है वो चीज़ पुतिन के लिए भी हो रहा है तो ये खबरें और ये युद्ध भी एक अवधारणा की युद्ध में भी तब्दील हो जाता है और शायद यही बड़ा एक खतरा भी है शुक्रिया दोस्तों एक बात जो बहुत साफ है कि एक देश में होने वाले चुनाव उसका असर दूसरे देश पर कैसे पड़ता है और जो दक्षिण पंथ का उभार है उसकी ठोस वजह क्या है इनकी पड़ताल बहुत ज़रूरी है और ठीक उसी समय यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि जब दुनिया में एक हिस्से पर युद्ध के बादल छा जाते हैं युद्ध शुरू हो जाता है तब वह हटते नहीं क्योंकि युद्ध चाहने वाली ताकतें लगातार मजबूत होती रहती हैं बहुत ज़रूरी है इन तमाम घटनाक्रमों पर पैनी निगाह बनाना देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूज़ क्लिक पड़ताल दुनिया भर की शुक्रिया